आगू आ जाओ थोड़ा साक्षी, थोड़ा वो नीचे लो एक मिनट। मजे तुम्ही कशा आहात? बाईट पाहिजे आम्ही त्याचे। तुम्ही इधर राजा भाई क्या मन धक्का मार रही है? हाँ चला डाल रोल। आप कैमरा पीछे लो ना, अभी आगे चले। रश्मि जी कैसी हैं आप? काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो ये इफ्तार पार्टी कैसी रही थोड़ा सा? बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स यू ऑलवेज फील नाइस एंड देयर आर पीपल व्होम यू डोंट मीट रेगुलरली एंड यू बम्प इनटू देम, दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल। राइट, बट सारा के साथ थोड़ा इक्वेशन कैसा है थोड़ा सा बताइए, फ्रेंडशिप कितनी गहरी है? सारा के साथ इक्वेशन मेरा बहुत पुराना है बट ऑन एंड ऑफ था, बट अभी रेगुलर हो गया। आई विल से शी इज वेरी सोल, हर हस्बैंड इज आल्सो वेरी वेरी बहुत लाइक वेरी एंजेलिक पर्सनैलिटी, हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं तो बहुत अलग दस। And on one call she's going to be there, so you can count off her as a friend. Personally, आप रमजान या फिर ये जो इफ्तार पार्टी थी कितना enjoy करते हैं? बहुत यार, इतना अच्छा जो खाने मिलता है और मैं तो तगड़ी तगड़ी हो जाती हूँ, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, क्या अच्छा ही हो रहा, जो मन को अच्छा लगे वो सब अच्छा। अगर बात करें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो JNU में आपका एक नेगेटिव रोल देखने को मिलेगा शायद, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी, आप लोग मुझे जिस किरदार में देखोगे वो किरदार की भी एक अपनी अलग कहानी है, तो आई होप यू ऑल विल एंजॉय एंड आई विल स्पीक टू यू इन लेंथ विद द राइट मोमेंट। इवन ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है उसको बैलेंस करना कि कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, तो आपके लिए क्या कुछ चैलेंज होता है? डर भी लगता है बट अभी क्या करें, पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें आती है, मैं खुद ही डेंजरस हूँ, चीज़ें भी डेंजरस पसंद है। थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच। भाई चला 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 रश्मि रश्मि।